वेलकम बैक, आपका राइट बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा वो बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़ लिया, गोनोरिया और सिफिलिस। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वायरल डिजीज, यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। और वायरस द्वारा जो फैलने वाला डिजीज है वो स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ एड्स के बारे में। तो एड्स जो है ना वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म में इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, एक्वायर्ड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, तो इम्यूनो बोलो तो रोग से लड़ने की क्षमता चाहिए। और उसमें क्या हो रहा है, डिफिशियंसी, यानी उसमें अंतर आ जा रहा है, डिफरेंसेस आ जा रहा है। और उस रोग से लड़ने की क्षमता में जो अंतर आ रहा है बच्चों, उसके कारण जो सिम्टम काउज कर रहा है, उस सिम्टम का ग्रुप क्या कहलाएगा, सिंड्रोम। तो रोग से लड़ने की जो क्षमता में कमी आया, कमी की चाहत से ही हमें क्या हो रहा है, एड्स हो रहा है। तो एड्स एक प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस बच्चों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। कौन से इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, जो हमारे बॉडी का फाइटिंग सेल है, WBC है, उस WBC को डैमेज करता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। और ये वायरस मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, अनोन पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। वैसे लोगों से सेक्स की चाहत जिसे हमें कोई जानकारी नहीं है, सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड स्प्रेड हो रहा है। यह हमारे समाज का सबसे घिनौना अब साध है या श्राप है, जो कहिए वो कम है, क्योंकि यह एसटीडी हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा श्राप साबित हो रहा है। एसटीडी अगर किसी को हो रहा है तो इसका मेन कारण यह है, कैरेक्टरलेस पर्सन जो अपने आप के कैरेक्टर को कंट्रोल में नहीं रख रहा है उसको ये ऐसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे लेक्चर को देखेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, लेकिन कुछ हैं जो हमारी बातों को समझते हैं। आप इस लेवल बनिए कि सब कुछ डाउन हो लेकिन कैरेक्टर डाउन कभी नहीं हो। अगर आप एड्स से बचना चाहते हैं तो क्या करना है, सिंपल सा उपाय है, न रहेगा वास न बजेगा बांसुरी, न हम अनोन पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करेंगे, ना हमें एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां होगी। तो बचने के लिए कुछ कुछ बातें मैंने लिखा है, अवॉइडिंग सेक्स विद एड्स पेशेंट। किसी को मालूम है ये कौन एड्स पेशेंट है, उसके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हमने कैसे अवॉइड करें, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को आप रोकिए, अनोन पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को रोकिए। तो एड्स पेशेंट से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को अगर अवॉइड किया जाए तो वो एड्स से बच सकता है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अनोन पार्टनर से, मल्टीपल फीमेल से, मल्टीपल मेल से, जो लड़कियां जो औरतें अनोन मर्दों के साथ सेक्सुअल संबंध रख रही है, वैसे मेल जो अनोन फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं उन्हीं लोगों को ज्यादातर ये बीमारी पकड़ता है। और जब पकड़ता है ना तो क्या होता है, ऐसा बुरा हाल होता है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। देखो देखो कैसे कैसे होता है, यूज द कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय लोग कॉन्डोम का यूज करके बच सकते हैं अपने आप को, लेकिन आफत आती है ना तो छप्पर फाड़ के आती है। कहां से घुसेगा एड्स का वायरस, आप कॉन्डोम यूज कर रहे हैं या फोम जेली कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर
अगर आपको एड्स हो जाएगा तो होगा, इसलिए कैरेक्टर लेस मत होइए, कैरेक्टर लेस मत बनिए। एड्स होने के बाद लक्षण कुछ है सर सिम्टम? अरे बाप रे सर लक्षण, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सिम्टम से पहले सेक्स ओनली बी सिंगल पेरेंट, हमेशा पत्नी वर्ता पति बनिए या पति वर्ता पत्नी रहिए, मतलब अपने हस्बैंड अपने पत्नी के अलावा अगर दूसरे पर ध्यान है आपका तो आप कितने कैरेक्टर के स्ट्रांग हैं ये समझ में आ रहा है ना, तो इस सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ओनली सेक्स विथ ओनली वन पार्टनर, अगर एक ही पार्टनर से आपका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है तो आप सुरक्षित हैं बस। हाँ, अगर उसका दूसरे से कांटेक्ट होगा तो उसका दूसरे से आएगा उससे आपको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे आप बच सकते। तो हमेशा याद रखिए कि पत्नी वर्ता पति बन के रहिए या पत्नी वर्ता पति बन के रहिए। इसके साथ साथ सिम्टम क्या है सर? अच्छा तो सिम्टम लिखे रिपीटली बेस लॉ, इतना जल्दी जल्दी वजन घटेगा कि हाथ अगर बढ़ती है पैर मोमबत्ती हो जाएगा, मतलब एकदम सूख के हवा हवाई फूंक देगा तो गौरव कैच करने के लिए छत के नीचे खड़ा रहेगा, तो इतना हवा हवाई हो जाएगा क्या हम लोग जो 70-75 किलो का जो वजन है ये सूख के हवा हवाई हो गया, ये का बोले भैया? तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है। रिपीटली बेट लॉस इम्बेडेड आई बॉल, आंख अंदर तरफ है पेट सटाक जाए, बोले गजब का सिम्टम भैया, देखिए में गजब तरह का लगेगा। बिगनेस, बिगनेस का तो सवाल ही मत पूछिए, उठ के बैठ नहीं पाएगा बाबा, अरे बाप रे कोई ससुराहट तक नहीं है, इतना बिगनेस होगा। फीवर, हाई फीवर, बाप रे बाप, क्या हम बताएं दम गजब। और सुन लीजिए, जब बात को छेड़ने की है तो स्वीटिंग एट नाइट, रात में खूब पसीना चलेगा, हर हर पसीना चल रहा है, बचपन समझेगा गर्मी से चल रहा है ना बेटा, एड्स का लक्षण है। एड्स का लक्षण को कॉमनली सबको देखना होगा कि रिपीटली वेट लॉस हो रहा है, आंख अंदर धंस गया, पेट सटक गया है, मसल से एकदम दुबला पतला हो गया है, बताए ना, हाथ अगर बढ़ती पैर मोमबत्ती हो गया है, पूरी तरह से हवा हवाई हो गया है, एकदम कमजोरी लग रहा है, हमेशा हाई फीवर रहता है, उसके साथ साथ स्वीटिंग एट नाइट,